हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और आज मैं लाया हूं आपके लिए बेहतरीन सी टेक्निक जिसमें आप सीखेंगे क्यूब रूट उन नंबर्स का जिनका एग्जैक्ट क्यूब रूट नहीं होता है। आपने देखा होगा कि क्यूब रूट ऑफ़ 8 एग्जिस्ट करता है, क्यूब रूट ऑफ़ 27 3 होता है, क्यूब रूट ऑफ़ 1000 10 होता है। पर ऐसे नंबर जैसे कि 9 है, 9 का क्यूब रूट नहीं होता, आपको डायरेक्ट मालूम नहीं होता है। तो आप देखें कि वो टेक्निक क्या है जिससे आप क्यूब रूट बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो वो टेक्निक ये लिखी हुई है, ए प्लस डेल्टा ए टू द पावर 1/3 को आप इस तरह से लिखें, ए टू द पावर 1/3 प्लस डेल्टा ए अपॉन 3 इंटू ए टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 28। तो 28 का क्यूब रूट निकालने के लिए आप 28 को लिखिए 27 प्लस 1 टू द पावर 1/3। ये नंबर कौन सा होगा? ये वो नंबर होगा जिसका क्यूब रूट आपको आता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ 27 है और यहाँ पर ए है, तो ए इज़ द नंबर हुज क्यूब रूट इज़ नोन टू यू, और डेल्टा ए वैल्यू होगी जो डिफरेंस है। तो 28 में 27 का क्यूब रूट पता है, पर इसमें 28 और 27 का डिफरेंस 1 है। तो अब इसे ऐसा लिखिए 27 टू द पावर 1/3। क्यों? क्योंकि ए इज़ व्हाट? ए इज़ 27, तो ए की जगह आएगा 27 और डेल्टा ए की जगह आएगा 1 प्लस डेल्टा ए 1 अपॉन 3 इंटू ए इज़ व्हाट? 27 टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर। 27 का क्यूब रूट आपको मालूम है, 27 का क्यूब रूट होता है दोस्तों 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 27 का क्यूब रूट है 3, तो लिखिए 3 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस, आप इसको कैलकुलेट कर लें, 3 इंटू 3 स्क्वायर इज 9, 9 3 जा 27, तो ये आया आपके पास 1/27। आप इसका एलसीएम ले लें, 27 3 जा 81, 81 प्लस 1 82, डिवाइड कर दो इसको 27 से, तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल फाइंड 3.03। अगर आप डिजिट बढ़ाना चाहते हैं तो एक डिजिट और ले सकते हैं, अदरवाइज टू डिजिट्स आर एनफ। तो अगर आप चाहते हैं तो और इसको फर्दर डिवाइड करें। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, 1000 टू द पावर 1/3 इज़ नोन टू यू, पर अगर 1000 की जगह आपके पास लिखा हो 1001, तो 1001 को क्या लिखेंगे आप? इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा ए 1000 प्लस 1 टू द पावर 1/3 1000। अब ए की जगह क्या आएगा? 1000 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1000 टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर। 1000 टू द पावर 1/3 इज 10 प्लस 1/3 इंटू 1000 टू द पावर 1/3 इज 10, 10 स्क्वायर। अब आप चाहें तो सिंप्लीफाई यहाँ भी कर सकते हैं, 10 प्लस 1/3 इज 0.3 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.003, सो योर रिजल्ट इज 10.003। अगर आप इसकी जगह कोई दूसरा नंबर लें, मान लीजिए कि आपने लिया है नंबर 10 टू द पावर 1/3, या आप 10 की जगह कोई दूसरा नंबर इस तरह का ले लें जिसमें थोड़ी वैल्यू माइनस करनी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 ले लिया, 7 टू द पावर 1/3, तो 7 के केस में आप इसको लिखिएगा 8 प्लस
माइनस वन टू द पावर 1/3, तो डेल्टा आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 7 की जगह 6 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2, तो आप उसको भी 6 को भी ट्राई कर सकते हैं। 6 उससे भी बेहतर ऑप्शन होगा क्योंकि उसमें डेल्टा ए चेंज हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ आप देख रहे होंगे कि डेल्टा ए की वैल्यू 1/1 है, तो यहाँ 6 के केस में डेल्टा ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। तो आप लिख पाएंगे इसको 8^1/3 प्लस माइनस 2 अपॉन 3 × 8^1/3 होल स्क्वायर। 8^1/3 इज 2, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 × 3 × 8^1/3 इज 2, 2² इज 4, इससे कैंसिल भी कर सकते हो आप, 2 × 2 = 4, तो आपके पास आएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 − 11, 11/6। अब आप 11 को 6 से डिवाइड करें तो 6 × 1 = 6 पॉइंट, रिमाइंडर आपका बचा 5, 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, तो आपने डेसिमल यूज़ किया, 5 के आगे 0 लगाएंगे 50, 50 को डिवाइड करें 6 से तो 6 × 8 = 48, तो 1.8 अप्रॉक्स रिजल्ट आएगा। इसी तरह से आप और दूसरे नंबर्स में इस टेक्निक को यूज़ करें और मुझे ज़रूर से बताएं अपने कमेंट्स के द्वारा, या मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी बड़ा आसान है, मेरा मेल आईडी है drrakeshkumartripathi@gmail.com। विश यू ऑल द बेस्ट।